हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस नहीं किया तो उसको प्रेस कर लें, ताकि आपको जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। साथियों, आज हम बात करेंगे कि हमको बजीरेक्स में कैसे अकाउंट बनाना है, और जो कि इंडिया का नंबर वन एक्सचेंजर है बजीरेक्स, जो उसके फाउंडर है निचल सेट्टी हैं। सो साथियों, आज हम सीखेंगे कि हमको बजीरेक्स में अकाउंट कैसे बनाना है सिंपली, और KYC कैसे करनी है, और इसमें हमको रजिस्टर कैसे करना है। तो सिंपली आपको बजीरेक्स को सबसे पहले आप इसमें डाउनलोड करना है। आपको बजीरेक्स को, आपको इसकी जो वीडियो आप देख रहे हैं यूट्यूब पर, आपको इसका जो डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से उस लिंक पर क्लिक करके आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं इसको बजीरेक्स पे। वो आपको रिडायरेक्ट सीधे प्ले स्टोर पर ले जाएगा, वहां से आप डाउनलोड इस बजीरेक्स में कर सकते हैं, और उसके बाद आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो हम सीखते हैं इसमें हमको अकाउंट कैसे बनाना है। तो साथियों, जैसे आप बजीरेक्स डाउनलोड करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आपको इसके बाद फिर आपके पास कुछ, जब आप बजीरेक्स ओपन हो जाएगा तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको साइनअप, जो यहाँ पे आपको लोगो दिख रहा होगा, इस बटन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा जो यहाँ पर दिख रहा है सेटिंग का। सेटिंग बटन पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आपको साइनअप बटन पर क्लिक करना है साथ में, ठीक है। ये साइनअप का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करने के बाद आपको फिर आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले ईमेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर, पासवर्ड डालना है, कन्फर्म पासवर्ड डालना है, और रेफर कोड यहाँ पर आपको डालना है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में रेफर कोड भी आपको मिल जाएगा, वो रेफर कोड आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। रेफर कोड डाला है, उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालने के बाद, पासवर्ड डालने के बाद, रेफर कोड डालने के बाद, आपको रेफर कोड ये जो आपको शो कर रहा होगा, ये रेफर कोड आपको डालना है। इसको रेफर कोड को आपको यहाँ पे सबमिट करना है, और उसके आपको ये जो टर्म एंड कंडीशन है इस पर भी आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ सारी डिटेल फिल हो जाएंगी, तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको साइनअप बटन पर क्लिक करना है सिंपली। साइनअप बटन पर क्लिक करने के बाद आपको कैप्चा पूछा जाएगा, तो थोड़ी देर सर्च करेगा, तो फिर आपके पास आप साइनअप करके इस तरह का इंटरफेस आएगा। फिर आपको सीधे बजीरेक्स के जो वेबसाइट है उस पर आपको ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, आपको ईमेल आईडी डालनी है, जो आपको रजिस्टर करते वक्त आपने ईमेल आईडी डालनी है वो डालनी है, पासवर्ड डालना है। फिर आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है, फिर आपके पास लॉगिन करने के बाद इस तरह का आपको लॉगिन करना है, फिर आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। लॉगिन करने के बाद आपको जो ईमेल पे, आपका रिसेंट ईमेल पे आपको एक OTP आएगा, ठीक है। आपको इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक OTP जाएगा ईमेल पे, जो आपने ईमेल आईडी डाली होगी। आपके पास आपको जीमेल पे जाना, जो ईमेल आईडी डाली होगी उसके बाद आपको जीमेल पे इस तरह का आपके बजीरेक्स की तरफ से आपके पास एक मेल आएगा, प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास वेरीफाई ईमेल ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जैसे इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप लोग, तो इस पर ब्राउज़र पे आपको ले जाएगा, तो आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, तो योर ईमेल हैज़ बीन वेरीफाई सक्सेसफुली। तो आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको मोबाइल SMS बटन पर क्लिक करना है, इस पर जो टिक लगा देनी है आपको, ठीक है। इस पर टिक लगाने के बाद आपके पास मोबाइल नंबर डालना है, आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है, फिर मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद सेंड OTP पे आपको क्लिक करना है। हमारे पास मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्टर करते वक्त डाला होगा आपको डालना है, तो आपको OTP आएगा उसी मोबाइल नंबर पर, उसका नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास कोई पास इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आपको फिर कंट्री सेलेक्ट करनी है, और पर्सनल यहाँ पे आपके टू टाइप यहाँ पे होगी, तो आप किस टाइप में करना चाहते हैं, बिजनेस के लिए या पर्सनल के लिए। तो पर्सनल के लिए आप कर रहे हैं तो पर्सनल पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद कंप्लीट योर KYC पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पर अपनी जो सारी डिटेल है वो फिल करनी है। पर्सनल इंफॉर्मेशन पर आपको नाम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जो डेट ऑफ बर्थ है, जो आधार कार्ड के ऊपर डेट ऑफ बर्थ होगी वही आपको यहाँ पे डालनी है। तो यहाँ पे मैं नाम डालने के बाद, एड्रेस डालने के बाद, जो एड्रेस आपके आधार कार्ड के ऊपर लिखा होगा वही एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद
आपको स्टेट सिटी पिन कोड डालने के बाद आपके पास, फिर आपको सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। फिर से आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है, तो नेक्स्ट आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इन तीनों में से आपको एक चीज़ अपलोड करनी है, पैन कार्ड भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको पहले टिक मारनी है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पे अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। आप जैसे ही अपलोड सेल्फी पे क्लिक करेंगे तो आपका दो ऑप्शन खुलेंगे, एक फाइल का, एक कैमरे का। तो आप कैमरे के थ्रू भी आप अपनी फ़ोटो क्लिक करेंगे, आप अपनी जो है फ़ोटो है आपके फाइल में होंगी, तो आप वहाँ से भी अपनी फ़ोटो को आपके जो फाइल में ले जाएगा, वहाँ से अपने अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करनी है। तो फिर फ़ोटो डालने के बाद फिर आपको पैन कार्ड का जो नंबर है वो पूछा जाएगा। पैन कार्ड का नंबर डालने के बाद आपके पास, फिर पैन कार्ड के नंबर डालने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। फिर आपको जो पैन कार्ड है उसका डॉक्यूमेंट आपको फ्रंट का अपडेट करना है, इसमें अपडेट करने के बाद अपडेट करना है। फिर आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आपको जो यहाँ पे गुड का निशान है इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो पैन कार्ड है वो अपलोड हो जाएगा, आपकी सेल्फी यहाँ पे शो हो जाएगी। फिर से आपको नेक्स्ट करना है, तो उसके बाद आधार कार्ड अपना सेलेक्ट करना है। इस पे एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तीन ऑप्शन पूछे जाएंगे, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। तो आपको आधार कार्ड के ऊपर क्लिक करना है, तो वहाँ पे आधार कार्ड का आपको नंबर डालना है। तो आपके पास फिर आधार कार्ड की आपके जो फ्रंट की फ़ोटो है वो अपलोड करनी है। इस पर क्लिक करने के बाद, फिर उसके बाद आपके पास आधार कार्ड की फ़ोटो फ्रंट का अपडेट होने के बाद आपको बैक साइड का फ़ोटो अपलोड करना है। इस पर क्लिक करना है, फिर से आपको दोबारा इस पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको दोबारा इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपके पास आधार कार्ड भी आपका अपडेट हो जाएगा। सो आपके पास तीनों चीज़ें आपकी अपडेट हो जाएंगी, फ़ोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड। सो आपके पास KYC आपकी डन हो जाएगी। फिर आपके पास ये लिखा हुआ आ जाएगा, थैंक यू, योर डॉक्यूमेंट्स हैव बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ वेट फॉर स्टेटस टू बी अपडेट। तो आपका थोड़ा समय लगेगा, अपडेट हो जाएगा। फिर आपको अपने जो बैंक अकाउंट है उसको अपलोड करना है, तो वो भी हम अभी देखते हैं आपको बैंक अकाउंट कैसे इसमें अपडेट करना है, ठीक है। आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सो आपके पास फिर से आपको अपनी एप्लीकेशन और जो बजीरक्स का ऐप है उसको ओपन करना है। तो चलें बजीरक्स के ओपन पे ऐप पर जाते हैं और वहाँ पे अपडेट करेंगे अपना बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, बजीरक्स की जो एप्लीकेशन है उसको ओपन करने के बाद जो आपको सेटिंग का जो ऑप्शन दिख रहा होगा इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी डिटेल शो करेगी, यहाँ पे आपको आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे चेक कर सकते हैं वेरीफाई अकाउंट पे आप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो अपनी अकाउंट है वो अपडेट हो गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे की तीन ही चीज़ें आप ट्रेड करने के लिए इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पे आपका रेफर कोड भी शो करेगा। सो हमको इसमें देखना है कि आपकी जो बैंक है वो कैसे अपडेट करनी है, बैंक डिटेल। तो आपके जो बैंकिंग एंड पेमेंट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, उस पर क्लिक करने के बाद आपको जो अपनी बैंक डिटेल है वो फिल करनी है। सो आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं आपको इसमें बताता हूँ कैसे आपको अपडेट करनी है बैंक डिटेल। सो यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डालना है, री अकाउंट नंबर, IFSC कोड और सेविंग, आपका सेविंग है तो सेविंग रहने दीजिए, करंट है तो करंट पे आप सबमिट कर देंगे तो आपकी जो बैंक डिटेल है वो अपडेट हो जाएगी। तो मैं आपको चलिए इसमें डिटेल फिल करके फिर आपको बताता हूँ क्या करना। सो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है, री अकाउंट नंबर डालना है, IFSC कोड डालने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सो जो आपका अकाउंट नंबर है वो अपडेट हो जाएगा। सो यहाँ पे यस से सेव इट पे आपको क्लिक करना है। सो फिर से आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, तो आपको जो जो आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अपडेट हो जाएगा, OTP डालने के बाद आप ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो बैंक डिटेल है वो अपडेट हो जाएगा। फिर आप इसमें डिपॉजिट भी कर सकते हैं और विड्रॉल भी कर सकते हैं, और कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीद के आप इसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं।